రైట్ ఇక కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం కేసెస్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఆ రహే తే ఉస్మే కాఫీ వృద్ధి డైలీ బేసిస్ పర్ ఆనే వాలే కేసెస్ మే హుయీ హై జిస్కే కారణ్ వహా కా జో హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హై వే స్ట్రెస్ మే ఆతా హై ఔర్ జిస్కే లియే హమే స్టేట్ కే సాత్ మిల్కర్ ఉస్ పర్ కామ్ కర్నే కీ బహుత్ అధిక్ జరూరత్ హై జిస్మే ముఖ్యతః అగర్ ఆప్ దేఖే तो 24,886 केसेस अगर एक पीक हमने महाराष्ट्र में नोट की आज करीब 68,000 के करीब केसेस अगर वहां से आते हैं तो करीब 2.x टाइम ऑफ पीक यानी कि उतना ही वहां के हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेस क्रिएट हुआ ये हमारे सामने दिखता है। इसी तरीके से यूपी में हम देखें तो 5.4x यानी कि उस लेवल की पीक है तो जिसके लिए जरूरत है कि हम यूपी स्टेट के साथ सामंजस्य करते हुए डिस्कस करते हुए वहां पर केस मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 4.5x की एक पीक नोट की गई। राजस्थान हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे अगर आप देखें यहां पर भी करीब 5 गुना केसेस जो पिछली पीक से आए थे उसके करीब अप्रोक्सीमेटली यहां नोट किए गए। तो इसी तरीके से एक और जो ट्रेंड हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो स्टेट से हम डिस्कस करते रहते हैं कि एक स्थाई पर पीक आना एक बात है, लेकिन क्या वह केसेस कम होते दिख रहे हैं या वह पीक जो आ रही है वो कंटिन्यू बेसिस पर एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखाती है, जिसका एक असर हम लोगों के सामने ये आता है कि हम उन स्टेट के साथ डिस्कस करते हुए वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ बनाएं, जिसमें कि मैं मुख्यतः आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसे कर्नाटक में अगर पीक भी बढ़ी साथ में केस का ग्रोथ रेट 7.5% है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो तमिलनाडु में पीक भी बढ़ी लेकिन साथ में ग्रोथ रेट भी 5.2% के करीब है। गोवा में केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में ग्रोथ रेट भी 10.9% है। इसी तरह उड़ीसा में पीक में हम वृद्धि पाते हैं और पीक के साथ साथ ग्रोथ रेट में भी 8.1% की वृद्धि पाते हैं, जिसके तहत हम आप लोगों की दृष्टि में यह लाना चाहेंगे कि जरूरत है कि एक स्थाई पर हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करें, दूसरा उसके साथ ही यह केसेस की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को समझते हुए इस पर कंटेनमेंट के एफर्ट्स पर हमारा दबाव उसी तरीके से हमारे एफर्ट्स उसी तरीके से चलते रहे। इस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में यह भी लाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डे वन से ही एक बड़ा प्रोएक्टिव स्टैंड यह रहा है कि हम केसेस की ट्रेजेक्टरी को नोट करें, स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करें और मिलकर उनके साथ कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम केसेस को मैनेज कर सकें। हम लोगों के इस एफर्ट्स के पार्ट में ही इवन जबकि हमने सितंबर लास्ट ईयर में देखा कि केसेस में डिक्लाइन आ रहा है तब भी हम लोग स्टेट के साथ उसी तरीके से जुड़े रहे। एक एफर्ट आप लोग इस सबकी दृष्टि में है कि देश में वैक्सीनेशन जनवरी से लॉन्च किया गया ताकि उसके थ्रू भी हमारे कंटेनमेंट के और ब्रेक ऑफ चेन के उसके एफर्ट्स में हमें एक सपोर्ट मिले। साथ ही हमने स्टेट से कंटिन्यूसली डिस्कस किया कि चाहे केसेस कम होते दिख रहे हैं लेकिन हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना है, हमारा कंटिन्यूड फोकस बना रहे कंटेनमेंट मेजर्स पर, सर्वेलेंस पर, हम समय के साथ साथ अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाते रहें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स उस पर हम काम करते रहें और साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि एक रूट कॉज के रूप में हम जिस तरह से हम केसेस की वृद्धि को रोक सकते हैं उस पर हमारा एडहेरेंस के लिए काम चलता रहे। हमने हर स्टेट को यह भी रिक्वेस्ट की कि आप अपने केसेस की ट्रेजेक्टरी को मॉनिटर करते रहें और उसके बेसिस पर अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स को प्लान करें और उसी स्थाई से अपनी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाते रहें। एक मुख्य अंश, एक मुख्य एफर्ट जो कोलैबोरेटिव स्पिरिट में हम लोगों ने किया था वह है था कि इवन जिन स्टेट्स में हमने केसेस की ट्रेजेक्टरी में हाई ग्रोथ रेट नोट किया वहां पर 75 हाई लेवल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और क्लिनिशियंस इंक्लूडिंग सीनियर प्रोफेशनल्स जैसे कि डायरेक्टर एम्स, मेंबर नीति आयोग, डायरेक्टर एनसीडीसी, ऐसे सीनियर अधिकारी भी वह स्टेट के स्थाई पर गए, वह जिलों में रहे, उन जिलों में जहां पर ट्रेजेक्टरी में एक सर्ज नोट किया गया ताकि वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक सपोर्टिव रोल वो प्रोवाइड कर सकें ताकि उसके थ्रू हम किन चीजों पर फोकस करें जिससे कि हमारे केसेस की गति कम हो सके, वह प्रयत्न भी किए गए हैं। हमने स्टेट्स को एक डिटेल्ड टूल किट भी